हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन कवर करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे वो है लोकसभा, अर्थात हाउस ऑफ पीपल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में आपको बताने से पहले मैं बता दूँ, हम पढ़ रहे हैं केंद्र की कार्यपालिका। क्या पढ़ रहे हैं अपन? केंद्र की कार्यपालिका। और केंद्र की कार्यपालिका को ही मैंने तीन भागों में बांटा था, एक राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा, और है हमारी लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर ही हमारी संसद का निर्माण होता है, अर्थात संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारत की संसद का निर्माण होता है। तो अपन राज्यसभा के बारे में, अपन ने एक लेक्चर को, अपन एक प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कवर किया था राज्यसभा के रिलेटेड। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको बताते हैं अपन लोकसभा के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 81 के तहत, अर्थात आर्टिकल अनुच्छेद 81 के तहत भारतीय संसद में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। अर्थात लोकसभा के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल के तहत लोकसभा बनाई गई है? आर्टिकल नंबर 81 के तहत भारतीय संसद में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। इसे दोस्तों अदर नेम्स की बात करें तो इसे अपन निम्न सदन बोला जाता है, अर्थात लोअर हाउस। अस्थायी सदन भी बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये हर 5 साल में इसका विघटन हो जाता है या 5 साल के पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। लोकप्रिय सदन बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो नेता है वो मोस्टली, या मैं बात करूँ लोकसभा के जो सदस्यों की, तो उनका चयन जनता के द्वारा किया जाता है और जनता अपने हिसाब से अपने जो जनप्रतिनिधि है, जो लोकप्रिय है, उसी को ही सपोर्ट करती है, उसी को ही चयन करती है। तो इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन बोला जाता है और जनता का सदन भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन आपको याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है या इसकी संरचना होती है ये किस तरीके से होती है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो लोकसभा के लिए, जब जो सदस्यों की संख्या की बात करें तो मैक्सिमम लोकसभा के सदस्य 552 हो सकते हैं। ठीक है, तो 552 की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है, 530 सदस्य जो है स्टेट से चुनकर आते हैं, अर्थात भारत के राज्यों से चयन होता है। 20 सदस्यों का चयन यूनियन टेरिटरी से होता है और जो 2 सदस्य होते हैं दोस्तों वो एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं, अर्थात एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है वो 2 सदस्य होते हैं। इसे नॉमिनेट किया जाता है, किसके तहत? राष्ट्रपति के तहत नॉमिनेट किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 331, अर्थात 331 के द्वारा राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से ऐसे 2 सदस्यों का चयन करेगा जो कहाँ से बिलोंग करते हो? एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों एंग्लो इंडियन क्या होता है आपको मैं संक्षेप में बता दूँ, वे भारतीय पहले जो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, अर्थात अंग्रेज थे, और अब उन्होंने क्या काम कर लिया है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उन्हें अपन एंग्लो इंडियन बोलेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आप मुझे बताइए। एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे अपन वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों आप याद रखेंगे लोकसभा के सदस्य 545 है, अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545 है। और दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में टोटल सदस्यों की संख्या 525 हुआ करती थी, जो 1973 के द्वारा उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे 545 कर दी गई। तो ये कब तक के लिए कर दी गई है? तो 31st संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 1973 के तहत सीटों की संख्या 525 थी और वर्तमान में कितनी है? 545 है। तो ये दोस्तों जो 545 सीटें हैं ये 2026 तक के लिए यथावत बनी रहेंगी, अर्थात 2026 तक इसे हम बढ़ा नहीं सकते, तो 2026 तक के लिए इसे निर्धारित कर दी गई है। ये कब किया गया था तो आप इसके संबंध में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, 84वें संविधान संशोधन सन 2001 के तहत इसे 2026 तक के बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया है, मतलब 2026 तक के जो है भारतीय संसद में सदस्यों की संख्या, अर्थात लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी तो आपको याद रखना है ये होगी 545। तो 545 के स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन को आपको ये याद रखना है कि 545 में तो दोस्तों 530 सदस्य फिर से यहाँ पर स्टेट से आएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो गया कि जो 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आने चाहिए थे जनसंख्या के आधार पर, अर्थात कि जो सदस्यों का जो चयन है या सदस्यों का निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है? लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर। तो कुछ यूनियन टेरिटरी है जिसमें अभी भी जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार नहीं है, जिस तरीके से हमें जो लोकसभा के सदस्यों के मतलब बोलना चाहिए सदस्यों का निर्धारण करने के लिए आवश्यकता पड़ती है ना, तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है यूनियन टेरिटरी से वर्तमान में 13 सदस्य आते हैं। जैसे कि बात करो दोस्तों मोस्टली यूनियन टेरिटरी जिसमें से 13 सदस्य आते हैं, ठीक है,
व्यवस्था में, लोकसभा में, ठीक है। तो जिसमें से दोस्तों अधिकतम जो है लोकसभा की जो यूनियन टेरिटरी है अर्थात संघीय क्षेत्र है, इसमें से दिल्ली जो लोकसभा क्षेत्र है अर्थात दिल्ली से, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से मैक्सिमम सीटें 7 सदस्य आते हैं। बाकी जो लोकसभा क्षेत्र है या बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से दोस्तों शेष में से एक एक सदस्य ही आते हैं। जैसे कि पुडुचेरी से एक आता है, चंडीगढ़ से भी एक सदस्य आते हैं, दादर नागर हवेली से भी एक ही सदस्य आता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, ये सारी चीज़ों से कहाँ से आते हैं, सिर्फ एक ही सदस्यों का चयन किया जाता है, मतलब निर्वाचित होकर आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि दो सदस्य जो है पुनः फिर से यहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। आगे चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन अब सदस्यों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं आपको ये तो बता दिया कि सदस्य कितने आते हैं, तो आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जामों में आया है कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे इसके चयन के संबंध में। तो चयन के संबंध में अपन बात करें तो जो लोकसभा के सदस्यों का चयन है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा सीधे तौर से किया जाता है, अर्थात कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है जिसे अपन MP बोला जाता है, अर्थात सांसद बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें सांसद को ही, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें ही अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के नाम से अपन संबोधित करते हैं। तो इनका चयन दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भी किया जाता है, मतलब गुप्त मतदान के द्वारा ही जनता के द्वारा चयन किया जाता है। तो दोस्तों सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उसे जो मदद देने का अधिकार हमारी भारतीय संसद के द्वारा प्रदान किया गया है। मूल संविधान की बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में ये 21 वर्ष हुआ करता था, अर्थात मत देने की आयु 21 ईयर होती थी। इसे 61वें संविधान संशोधन अर्थात 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के माध्यम से, कब 1989 के माध्यम से इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप इसे भी याद रखेंगे, मैं जो बीच बीच में जो मैं फैक्ट बताते जा रहा हूँ आप या तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो फैक्ट है काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप MCQ की प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बुक से तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा टकराते होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय देश का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही व्यक्ति भारत का नागरिक जो होगा उसे ही वैसा मताधिकार प्रदान किया जाएगा, अर्थात विदेशी नागरिक भारत में आके मत नहीं दे सकता है। अपन ने देख लिया सदस्यों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन उनकी योग्यता के बारे में, अर्थात क्वालिफिकेशन के बारे में। तो योग्यताएँ क्या होती है कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वही व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है जो भारत का क्या हो, नागरिक हो, ठीक है। अगर वो उसकी आयु की बात करें दोस्तों तो उसकी आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए, वही व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो आयु के संबंध में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है विद्यार्थियों में बना रहता है, क्योंकि दोस्तों अपन राज्यसभा की जो न्यूनतम एज की बात करेंगे तो राज्यसभा में जो न्यूनतम एज है वो 30 ईयर है और लोकसभा में जो न्यूनतम एज है वो 25 ईयर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साथ ही साथ कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है कि भारत का अगर प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके संबंध में आप याद रखेंगे भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। इसलिए दोस्तों न्यूनतम एज की बात करें तो 25 आप आंसर करेंगे, 30 आंसर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम एज की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो 25 वर्ष का भी कोई अगर व्यक्ति है अगर वो चाहे तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा। आगे बात करेंगे दोस्तों वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर ना हो इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति लाभ का पद उसे ही बोला जाता है जो लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां होती है, जो सरकारी नौकरी सीधे सीधे मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी में ना हो, और अगर यदि वो क्या है मंत्री है या सांसद है या MLA है तो इसे लाभ का पद बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। आगे बात करें क्वालिफिकेशन की बात कर ली अपन ने, अब उसके टेन्योर की बात कर लेते हैं अर्थात उसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो आपको सीधे सीधे तौर पर आपको ये याद रखना है कि जो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अब मैंने क्या बोला दोस्तों, आप मेरे शब्दों की ओर जाइए, जनरली 5 ईयर का टेन्योर होता है लोकसभा का, सामान्यतः इसलिए बोला क्योंकि इसे पहले भी क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको लिख भी दिया है, आपके लिए नोट्स बिल्कुल भी तैयार करके मैं दे रहा हूँ आपको बिल्कुल। तो आप क्या काम कीजिए, या तो इसे लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ या मेरे नोट्स को लिख लीजिए, या आपको डायरेक्टली क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों आपकी नोट्स भी है साथ ही साथ आपको तैयार भी हो रही है, आप लेक्चर भी देखते चलिए समझते चलिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अंत में दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं, अभी अंत तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का भला चाहते हैं आप
तो अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं इस तरीके से वीडियो बना सकूँ। तो आगे बात करें दोस्तों इसका विघटन कार्य का, अपन टेन्योर की बात कर रहे थे, सॉरी मैं थोड़ा बीच में भटक गया था। तो लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 वर्ष का होता है सामान्यता, इसलिए बोला मैं क्योंकि इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। अर्थात अगर लोकसभा का या सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं चल रही है, संसद में जो मेजोरिटी है सरकार की, जो बहुमत है, वो सरकार खो देती है, तो उसे विघटित किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसे 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये बढ़ाया कब जा सकता है, जब क्या हो, आपातकाल हो, अर्थात इमरजेंसी हो। इमरजेंसी कौन सी वाली, आर्टिकल नंबर 352 के तहत जब भारत में आपातकाल लगा दिया जाता है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों अधिकतम आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मैक्सिमम इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ना, अधिकतम 1 वर्ष से डायरेक्टली 2 वर्ष नहीं किया जा सकता। मतलब कि मैं बात करूँ, कहने का मेरा तात्पर्य यह है, आप इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल जब इमरजेंसी लगी हो भारत में, ठीक है, तो उसे सीधे सीधे मतलब डायरेक्टली 2 साल के लिए इकट्ठे नहीं बढ़ाया जा सकता। पहले 1 वर्ष के लिए बढ़ाएंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट में बढ़ाएंगे, 1-1 वर्ष के लिए अपन इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जब ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है और जो अपन हमको लग रहा है कि अभी भी जो देश की जो आंतरिक स्थिति या युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसे हमें और बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसे फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इनफाइनाइट बार बढ़ाया जा सकता है आपको, मैं आप क्वेश्चन को, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर इसे कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो इसे 1-1 वर्ष की अवधि में इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब किया गया था, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1976 के तहत इसे 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। अर्थात 1975 में जब हमारी इमरजेंसी लगी थी भारत में, तो उस समय क्या किया गया था, भारत का जो अर्थात संसद के जो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। तो आई होप कि आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और दोस्तों विघटन की बात करें अपन, तो विघटन अभी तक, अब तक टोटल लोकसभा का विघटन 8 बार किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। 8 बार ऐसा किया जा चुका है कि 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले ही जो लोकसभा है वो भंग की जा चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करेंगे अपन इसके लोकसभा स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं साथ ही साथ ये बता दूं कि लोकसभा को संचालित करने के लिए उसका एक अध्यक्ष होता है, जो कि उन्हीं सदस्यों में से अपनी पहली ही बैठक के दौरान चुन लिया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो आर्टिकल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 93 के अनुसार संसद के द्वारा अपने ही किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अर्थात ये एक प्रोसेस होती है अध्यक्ष चयन करने की, इसे भी चुनाव के द्वारा अर्थात मत के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, जो क्या काम करता है दोस्तों, सदन का संचालन करता है। सॉरी, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इसके पावर के बारे में, अर्थात कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी पावर क्या होती है। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसके कार्य क्या होते हैं, पावर अर्थात उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो वो सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करता है, और जो प्रश्न या जो बात करूँ जो नियम के विरुद्ध है, जो कोई नियम के विरुद्ध उस बोल रहा है, तो उसको क्या काम करता है, घोषित करता है। ठीक है, और किसी भी विधेयक को, धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा का स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। और अंतिम निर्णय अर्थात किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय देने का काम कौन करता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये अपन ने मेनली उसके कार्य देखे लोकसभा स्पीकर के। आगे बात करेंगे ये त्यागपत्र किसे देगा, तो लोकसभा का स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, और उपाध्यक्ष दोस्तों अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, अगर त्यागपत्र नहीं देना है और हमें लोकसभा स्पीकर को उसके पद से हटाना है, तो इसके लिए दोस्तों ये प्रावधान है भारतीय संविधान में कि उसे 14 दिन के पूर्व सूचित करके उसे लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से हटाया जा सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों लोकसभा में आरक्षण की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरक्षण के बारे में। इसके संबंध में आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 331 तक के जो है ये लोकसभा में आरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है, आरक्षण के बारे में हमें बताता है। आर्टिकल नंबर 33 के अनुसार मैं बात करूँ, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों को आरक्षित करके रखा गया है,
और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की जो सीटों की संख्या है वो 47 है। अब इसे याद रखेंगे। ये दोस्तों कब तक के लिए रखा गया है, तो इसे हर 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। अभी दोस्तों हाल ही में 2020 के द्वारा फिर से एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2030 तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये हमेशा बढ़ते जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और दूसरा है आर्टिकल, हमारा आर्टिकल नंबर 331 अर्थात अनुच्छेद 331 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो उसके लिए जो आरक्षित सीट है एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व के लिए, तो आर्टिकल नंबर 331 अर्थात 331 के तहत जो है आंग्लो इंडियन भारतीयों का चयन किया जाता है। तो ये मेनली अपन ने लोकसभा के बारे में आज अध्ययन किया है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करें दोस्तों इसके स्पेशल प्रोविजंस के बारे में अर्थात इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लोकसभा के संबंध में अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, जहां से जो विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट मैंने यहां पे एक इसमें कवर कर लिया, आपको अगर चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अर्थात जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकार सॉरी केंद्र सरकार है, वो डायरेक्टली किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो होगी लोकसभा के प्रति। और जो दोस्तों मंत्रिपरिषद है जैसे केंद्रीय मंत्री, तो वो भी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, मतलब किसे जवाबदेही होगी, उनकी लोकसभा को होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। ठीक है, और धन विधेयक की बात करें तो दोस्तों धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है और इसे सदैव पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, मतलब पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में दोस्तों उसके पास राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वो 14 दिन के अंदर में इस पर जवाब भेज दे। अगर 14 दिन के अंदर में इस पर कोई प्रतिक्रिया राज्यसभा के द्वारा नहीं भेजी जाती तो उसे राज्यसभा के की ओर से पास माना जाता है अर्थात उसे पास कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपको इसे याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन की वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उसमें दोस्तों जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो वर्तमान में मैं बात करूँ लोकसभा का स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी है। ठीक है, आपको इसे भी याद रखना है। करेंट अफेयर का मैंने एक फैक्ट मैं आपको बता दिया। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो जीके का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप इसे याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसे शॉर्टकट में जीवी मावलंकर भी बोला जाता है। तो ये इसके लोकसभा अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों अनंत सैनम जी उपाध्यक्ष थे लोकसभा के पहले। ठीक है, पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत सैनम पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के हुए हैं। ठीक है, और लोकसभा का प्रथम कार्यकाल की बात करूँ तो दोस्तों 17 अप्रैल 1952 से लेकर 1957 तक लोकसभा का पहला कार्यकाल चला था। ठीक है, तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, सरकार के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो हमेशा लोकसभा में ही पास किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सरकार, गवर्नमेंट अपनी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दोस्तों अगर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें, और लोकसभा जो हमारी सरकार है वो लोकतंत्र का ध्यान नहीं रखती और अपने मन मुताबिक फैसला लेती है और कुछ घोटाले हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन जो है सबसे पहले हमेशा कहाँ पे लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। और आगे चल के बाद में आपको बता दूं कि कुल मतदान का 1/6% मत कोई अगर कोई पार्टी की बात करो या कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त करता तो उसे जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते आगे बात करेंगे अपन कोरम गणपूर्ति संख्या की, ये क्या होती है। तो दोस्तों कोरम गणपूर्ति एक ऐसी संख्या होती है, मान के चलो ऐसा होता है कुछ सदस्यों का ग्रुप होता है अर्थात कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 हिस्सा किसी भी बैठक में, या बात करूं मैं किसी भी संसद में जब 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होता तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो इसे ही कोरम गणपूर्ति बोला जाता है, जो फिलहाल कितने सदस्यों की है, 52 सदस्यों की है। ठीक है, तो मैं बात करूं किसी भी अगर विधेयक के लिए, कोई भी विधेयक जब पारित कर के लिए जब बैठक बुलाई जा रही हो तो उसमें दोस्तों मिनिमम 52 सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए, जब ही वो बैठक को मान्यता मिलेगी अर्थात बैठक मान्य होगी। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो ये मैंने बात करी थी मेनली लोकसभा के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत। अब आप स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।